आज हम स्टडी करने वाले हैं थोरा सिंथेसिस के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। थोरा सिंथेसिस इज अ प्रोसीजर इन विच रिमूव अक्यूमुलेटेड एबनॉर्मल फ्लूइड एयर थ्रू द चेस्ट वॉल और प्लूरल कैविटी पंक्चर बाय द नीडल। थोरा सिंथेसिस एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें प्लूरल कैविटी को नीडल से पंक्चर कर उसमें से अक्यूमुलेटेड फ्लूइड को या फिर एयर को रिमूव किया जाता है। डेफिनेशन ऑफ थोरा सिंथेसिस। थोरा सिंथेसिस रिफर्स टू पंक्चर बाय नीडल थ्रू द चेस्ट वॉल इनटू द प्लूरल स्पेस फॉर द पर्पस ऑफ रिमूविंग प्लूरल फ्लूइड सच एज ब्लड, सीरस फ्लूइड, पस एक्सेट्रा एंड एयर। यानी थोरा सिंथेसिस चेस्ट वाल में प्लूरल कैविटी के अंदर एक्यूमुलेटेड फ्लूइड जैसे ब्लड, सीरस फ्लूइड, पस, इसके साथ साथ एयर जिसे हम न्यूमोथोरेक्स भी कहते हैं, पंचर करके नीडल की सहायता से इसे रिमूव किया जाता है। द थोरा सिंथेसिस इज परफॉर्म्ड फॉर डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक पर्पस। थोरा सिंथेसिस को किसी डायग्नोसिस के लिए या फिर थेराप्यूटिक पर्पस के लिए परफॉर्म किया जाता है। आगे हम देखते हैं पर्पस ऑफ थोरा सिंथेसिस। फर्स्ट पर्पस इज डायग्नोस्टिक पर्पस। डायग्नोस्टिक पर्पस रिफर्स टू रिमूव प्लूरल फ्लूइड और एनालिसिस एंड स्टडी अबाउट केमिकल, बैक्टीरियोलॉजिकल एंड सेल्युलर कंपोजिशन। प्लूरल फ्लूइड को एनालिसिस और स्टडी के लिए, मतलब केमिकल कंपोजिशन को जानने के लिए या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है इसे जानने के लिए या फिर सेल्युलर कंपोजिशन का पता लगाने के लिए किया जाता है। फॉर डायग्नोस्टिक एस्पिरेशन फ्लूइड अमाउंट इज 20 to 30 ml। मतलब डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए जब हम थोरा सिंथेसिस करते हैं तो उसमें 20 to 30 ml फ्लूइड को रिमूव किया जाता है। सेकेंड इज थेराप्यूटिक पर्पस, टू रिमूव एक्सेसिव प्लूरल फ्लूइड विच कुड बिकम इन्फेक्टेड एंड कॉजेस एम्फिजेमा। एक्सेसिव प्लूरल फ्लूइड को इसलिए रिमूव किया जाता है ताकि लंग को एम्फिजेमा या फिर इन्फेक्शन से बचाया जा सके। इसके साथ ही टू रिलीव लंग कंप्रेशन पेन, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कॉज्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड और एयर इन द प्लूरल स्पेस। लंग को कंप्रेशन यानी दबाव से, पेन से और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से बचाने के लिए थोरा सिंथेसिस परफॉर्म किया जाता है, जो कि कारण होता है एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड एयर इन द प्लूरल कैविटी का। नेक्स्ट, टू इंस्टिल मेडिकेशन इनटू द थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में डायरेक्ट मेडिकेशन इंजेक्ट करने के लिए भी थोरा सिंथेसिस को परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट वन इज इंडिकेशन ऑफ थोरा सिंथेसिस। किस तरह के पेशेंट में थोरा सिंथेसिस परफॉर्म किया जाता है? तो फर्स्ट है प्लूरल इफ्यूज़न, नेक्स्ट हीमोथोरेक्स, नेक्स्ट नीमोथोरेक्स एंड एम्फिजेमा। एम्फिजेमा यानी कि पस फॉर्मेशन इन द लंग। ये सारे ऐसे कंडीशन हैं जिसमें हम थोरा सिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। प्रोसीजर करने से पहले हमें पेशेंट के पोजीशन और साइट का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं पेशेंट का पोजीशन। पेशेंट सिटिंग अपराइट विथ आर्म एंड शोल्डर राइज्ड। यानी पेशेंट को हम सिटिंग पोजीशन देते हैं, उसके सामने कार्डियक टेबल या फिर टेबल रख देते हैं और उसके ऊपर उसके आर्म को प्लेस करके बैठने बोलते हैं, मतलब उसके हाथ को ऊपर उठा करके बैठने बोलते हैं। दिस पोजीशन हेल्प पेशेंट ड्यूरिंग थोरा सिंथेसिस टू वाइडन वाइड। दिस पोजीशन हेल्प पेशेंट ड्यूरिंग थोरा सिंथेसिस टू वाइड द इंटरकोस्टल स्पेस। सो इंजरी टू इंटरकोस्टल नर्व एंड ब्लड वेसल्स आर अवॉइडेड। इस तरह का पोजीशन पेशेंट के लिए हेल्पफुल होता है। इससे पेशेंट का इंटरकोस्टल स्पेस वाइड, मतलब चौड़ा हो जाता है ताकि नीडल अच्छे से सही जगह पर इंसर्ट हो सके और नर्व एंड ब्लड इंजरी से पेशेंट को बचाया जा सके।
नेक्स्ट हम बात करते हैं साइट के बारे में, दैट इज 7th आर 8th इंटरकोस्टल स्पेस बिटवीन द इन्फीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला। स्कैपुला के जस्ट नीचे वाले एंगल पर 7वां से 8वां इंटरकोस्टल स्पेस के बीच नीडल को इंसर्ट करते हैं। इसके साथ साथ चेस्ट फिजियोलॉजिकल फाइंडिंग, इससे भी हम साइट को डिसाइड करते हैं ताकि साइट हमें अच्छे से डिटरमाइन हो सके और नीडल को इजीली इंसर्ट कराया जा सके। इन थोरासेंथेसिस जनरली यूज्ड द नीडल 16 गॉज, मतलब थोरासेंथेसिस के प्रोसीजर में 16 नंबर गॉज की नीडल को यूज में लिया जाता है। आगे देखते हैं प्रोसीजर। फर्स्टली एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड गेट साइंड कंसेंट फ्रॉम पेशेंट, मतलब हमें पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करना है और उससे साथ ही साथ कंसेंट भी लेना है। सेकंड स्टेप इज असिस रेस्पिरेटरी स्टेटस, हमें पेशेंट का रेस्पिरेटरी स्टेटस चेक करते रहना है। थर्ड इज पोजीशन ऑफ पेशेंट इज अपराइट विथ आर्म एंड हेड रेस्टिंग ऑन बेड साइड टेबल विथ पिलो, पेशेंट को पोजीशन देने के लिए बेड साइड टेबल की सहायता लेंगे, उस टेबल के ऊपर पेशेंट के आर्म को रख कर पिलो रखेंगे और उसी पिलो में उसका सिर टिकाकर बैठने के लिए बोलेंगे। फोर्थ स्टेप, द प्रोसीजर इज डन अंडर स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक आफ्टर गिविंग लोकल एनेस्थीसिया, पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद जो भी प्रोसीजर हम परफॉर्म करेंगे वो पूरी तरह से एसेप्टिक टेक्निक के साथ परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप, एट द पंक्चर साइट एस्पिरेशन नीडल फिटेड विथ अ थ्री वे एडॉप्टर इंट्रोड्यूस्ड विथ द इंटरकोस्टल स्पेस इनटू द प्लूरल कैविटी एंड एस्पिरेट द फ्लूइड फ्रॉम द चेस्ट कैविटी, पेशेंट को पोजीशन देने के बाद पंक्चर साइट डिसाइड किया जाता है, देन एस्पिरेशन नीडल को फिट किया जाता है जो कि थ्री वे नीडल होता है, 16 नंबर गॉज का होता है और इस नीडल को इंसर्ट कराने के बाद फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है। इस तरह से थोरासेंथेसिस प्रोसीजर को परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ थोरासेंथेसिस या फिर प्राइमरी रिस्क ऑफ थोरासेंथेसिस, मतलब थोरासेंथेसिस के कारण से पेशेंट को कौन कौन से रिस्क का सामना करना पड़ता है। फर्स्ट वन इज न्यूमोथोरेक्स, इट इज़ अ एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ एयर इन द प्लूरल स्पेस विच कुड बी कॉज्ड बाई एयर कमिंग इन थ्रू नीडल मेकिंग अ होल इन द लंग, मतलब न्यूमोथोरेक्स एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें प्लूरल स्पेस में एयर भर जाता है और ये एयर जब प्लूरल स्पेस में होल किया जाता है, लंग में जब होल किया जाता है उसी टाइम ये एयर इंसर्ट हो जाता है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन इज हाइपोवोलेमिक शॉक, ड्यू टू लैक ऑफ सर्कुलेशन फ्लूइड वॉल्यूम इट कैन ऑकर व्हेन मोर देन 1000 ml फ्लूइड इज विथड्रॉ, दिस कॉजेज सिंकोप एंड शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें थोरासेंथेसिस प्रोसीजर के कारण 1000 ml फ्लूइड से भी ज़्यादा अगर फ्लूइड को रिमूव कर दिया जाता है तो इस कंडीशन में पेशेंट को सिंकोप या फिर फैंटिंग, चक्कर आना और शॉक की कंडीशन हो जाती है, शॉक की कंडीशन ऑकर होती है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन इज पल्मोनरी एडिमा, दैट मीन्स फ्लूइड इन द लंग, इसके साथ साथ पेन, ब्रूशिंग, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन एंड लीवर और स्प्लीन इंजरी देखने को भी मिलती है जो कि रेयर ऑकरेंस होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज जनरल इंस्ट्रक्शन आफ्टर प्रोसीजर, मतलब पेशेंट को प्रोसीजर के बाद किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। द क्लाइंट शुड बी प्रिपेयर्ड बोथ फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली फॉर द प्रोसीजर, मतलब क्लाइंट को पहले से ही प्रिपेयर हो जाना चाहिए फिजिकली एज वेल एज साइकोलॉजिकली ताकि उसको बाद में उस प्रोसीजर से फियर ना हो। नेक्स्ट द क्लाइंट शुड बी वॉर्न दैट एनी सडन मूवमेंट ड्यूरिंग द प्रोसीजर मे कॉजेस इंजूरी टू द लंग एंड ब्लड वेसल्स,
मतलब हमें पेशेंट को वार्न करना है कि वो ड्यूरिंग प्रोसीजर कोई भी सडन मूवमेंट ना करे, क्योंकि ये रीज़न बनता है उसके लंग इंजरी होने का या फिर ब्लड वेसल्स इंजरी होने का। द नर्स शुड चेक द सिरिंजेस एंड नीडल्स फॉर एयर टाइटनेस, मतलब नर्स को पहले से ही चेक कर लेना है जो भी सिरिंज है या फिर नीडल है जो कि यूज़ में लिया जा रहा है वो एयर टाइट है कि नहीं है, ताकि पेशेंट के प्लूरल स्पेस में एयर एंटर ना कर सके। द अमाउंट ऑफ फ्लूइड विथड्रॉन शुड नॉट एक्सीड मोर देन 1000 ml एट अ टाइम, हमें इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि एक बार के प्रोसीजर में 1000 ml से ज़्यादा फ्लूइड को रिमूव आउट ना किया जाए, नहीं तो पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है। नेक्स्ट, बोथ डॉक्टर एंड नर्स शुड फॉलो स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक टू प्रिवेंट इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फेक्शन इनटू द प्लूरल कैविटी, जब ये प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है तो डॉक्टर और नर्स को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली एसेप्टिक टेक्निक को फॉलो करना चाहिए ताकि पेशेंट को इन्फेक्शन से बचाया जा सके। द स्पेसिमेन शुड बी सेंड टू लेबोरेटरी सून आफ्टर इट इज़ कलेक्टेड, इसे तुरंत डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के लिए लैबोरेटरी सेंड किया जाता है। थैंक यू।